सर जी नमस्ते, पुणे से बोल रहा हूँ, अनिल होले कमांडो। ठीक है, कोरोना से बढ़िया हो, कोई तकलीफ तो नहीं है साहब? होगा तो हमें बताइए, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने हमारी की, आपने हमको ब्लू ग्रीन एलगी भेज के जो काम किया वो बहुत बढ़िया हो गया। 10/2/2021 को मैंने गन्ना लगाया है, एक एकड़ सवा एकड़ तकरीबन, तो आज तकरीबन वो 4.25 महीने का हो गया साहब। तो उसमें गन्ने की हाइट 8 फीट हो गई और मोटा इतना तगड़ा हो गया, हर एक जुमड़े का गन्ना तगड़ा है, एक का भी कमज़ोर नहीं है। तो आजू बाजू की जो खेती है मेरे एरिया में, उनके सबसे अच्छा मेरा गन्ना है, जिसमें मैंने कोई यूरिया सुपला मिक्सचर कोई मतलब रासायनिक फवारनी कुछ भी यूज नहीं किया, खाली ब्लू ग्रीन एलगी डी कंपोजर और कोम्बर खादा भी यूज किया है। तो इतना बड़ा गन्ना आया साहब, बहुत तगड़ा गन्ना है। अभी लोग देख के बहुत बोल रहे इतना कैसा हो गया, बताता हूँ मैं तो वो मानते नहीं, बोलते हैं कि हमको मानने वाला नहीं है, हमें तो रासायनिक चाहिए यूज करने को। लेकिन इनको जब मेरा माल मार्केट में जाएगा, जितना टनेज निकलेगा, जब जाके उनको मालूम चलेगा कि भैया हाँ सही में गन्ना अच्छा निकला है। अभी मैं बोलता हूँ भैया ये ब्लू ग्रीन एलगी यूज करो, ये करो वो करो, कोई मानता नहीं, उनको ये जड़ी बूटी के माफिक लगता है साहब। ये बोलते हैं उससे नहीं फर्क पड़ता, तो इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, हम तो भाई सेन ये रासायनिक डालेंगे, रासायनिक खोज निकलेंगे, वो सब जलाता है खेती को, धान को भी और जमीन को, हमारे मिट्टी को भी जला देता है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन ये पहली बार मैंने गन्ने में यूज किया और इतना मोटा तगड़ा हो गया गन्ना कि हर एक जुम्बड़ का हर एक गन्ना एक जैसा ही है, कोई छोटा कोई मोटा नहीं, एक साथ एक जैसा गन्ना चल रहा है ऊपर मोटे मोटे कोम का। तो आगे देखेंगे, अगर आपको टाइम मिला तो देखने के दिखाने के लिए भी बुलाएंगे इधर, अच्छा है। धन्यवाद, नमस्ते।